हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं फिर से आ गई और एक व्लॉग के साथ, एंड आई होप आप लोग सब एन्जॉय करेंगे आज का ये वीडियो। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मैं आप लोग के साथ बातें कर रही हूँ। कॉमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा कि आप लोग कैसे हैं एंड आपके फैमिली मेम्बर सब कैसे हैं। आई होप कि आप लोग सब स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, विदाउट एनी अर्जेंसी घर से मत निकलिए। आपका ध्यान रखिए, स्पेशली पेरेंट्स का ध्यान रखिए। और आजकल तो कोविड जो है एज वाइज कुछ नहीं है, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। किसी के साथ आप बातें करो, ऐप भी ओपन करो, तो कुछ ना अच्छा न्यूज़ नहीं रहता है, कुछ सैड न्यूज़ ही रहता है। सो अच्छा नहीं लग रहा है फॉर्म लास्ट फ्यू वीक्स। मन थोड़ा सा ख़राब ही रहता है इंडिया का न्यूज़ सुन के। एंड जो लोग बाहर हैं मेरे फ्रेंड्स, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। बैक इन इंडिया फैमिलीज हैं, स्पेशली पेरेंट्स हैं, तो उनका जो होता है ना टेंशन तो लगा रहता है। आई होप कि सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव नोट के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इवनिंग का टाइम है, हम लोग लगे हैं हल्का सा गार्डनिंग में। मैं बहुत ज़्यादा गार्डनिंग नहीं करती हूँ, बट मेरे घर में मेरी मम्मा और मेरी सासू बहुत ज़्यादा करते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो मैं रोज़ प्लांट्स लेके आई थी उसको हम लोग ग्राउंड में आज लगा रहे हैं। आई डोंट नो कैसा होगा, क्योंकि यहाँ का जो मिट्टी होता है वो अलग होता है। तो हम लोग जो स्टोर ब्रॉट है, जो मिट्टी हम लोग लेके आए उसको हम लोग ऐड करके इसको अभी लगाएंगे। एंड मैं मैरीगोल्ड और जीनिया भी लगा रही हूँ। तो देखते हैं कैसा हो रहा है। मैं नेक्स्ट कभी आप लोग जब फिर से शेयर करूँगी। तभी आ जाते हैं डायरेक्टली किचन में। वेजिटेबल्स आया था क्लीन होके, अच्छे से मैं वॉश करके मैं रखी हूँ। अभी ड्राई हो गया है, तो मेरा जो बैग्स है जो वेजीज का, उसमें मैं रख दे रही हूँ। और मैं इंडिया से ये ऑर्डर की थी और मैं बहुत अच्छे से यूज़ कर रही हूँ और मुझे अच्छा भी लग रहा है। कुछ कुछ चीज़ जैसे कि बीन्स होता है ना, वो जल्दी से ख़राब होने लगता है। बट टमेटो हो गया, जो कि ज़्यादा जल्द टाइम तक रहता है, वो बहुत अच्छे से रह रहा है। और आज इस बार धनिया जो था काफ़ी ज़्यादा लेके आ गए हैं मेरे हस्बैंड, तो उसको भी मैं अच्छे से रख दी हूँ। एंड अगर आप लोग ट्राई नहीं किए हैं ग्लास वाटर के साथ ना, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बैक इन दैट वीडियोस में आप लोग से शेयर की थी कि आप लोग कैसे यूज़ करते हैं ये वेजीज बैग, तो आप लोगों ने रिकमेंड किया था कि खुद से हैंड क्लीनिंग करके ड्राई करना है। तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ। हल्का बहुत ब्लैक स्पॉट्स आ जा रहे हैं, बट स्टिल इट्स गोइंग गुड। और आप लोग देख सकते हैं घर में बनाना सड़ रहा था, जैसे कि मैं ही खाती हूँ बनाना। देवांश को किसी में मैं ऐड करके ही देती हूँ, उसको अच्छा नहीं लगता है खाने के लिए, और मेरे हस्बैंड को टोटली पसंद नहीं है। तो इस बार मिस हो गया, नहीं खाए हैं, तो मैं सोची कुछ बनाते हैं। तो बनाना ब्रेड बनाने के लिए सोची बहुत दिन के बाद, तो चलिए इसका रेसिपी आप लोग से शेयर करती हूँ। आप लोगों ने बहुत जने मुझे पूछा था कि देवांश के साथ जो बेकिंग वीडियो है क्यों नहीं आ रहा है, हम लोग बहुत मिस करते हैं करके। तो ये लीजिए, बेकिंग वीडियो देवांश के साथ ही है। और देवांश ना इतना खाता नहीं है, जो ये केक होता है उसको, जो स्टोर बॉट सॉफ्ट केक होता है ना, वो अच्छा लगता है। तो मैं बनाना भी छोड़ दी थी क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता है। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आज हम लोग बना रहे हैं। तो इसका जो इंग्रेडिएंट्स डिटेल्स है ना, मैं इन्फो बॉक्स में दे दूँगी, नहीं तो स्क्रीन पर रहेगा। पहले भी मैं शेयर की थी ये वाला रेसिपी, अगेन मैं आप लोग शेयर कर रही हूँ। और मैं ये विदाउट एग है, आप चाहे तो दही मैं ले रही हूँ, क्योंकि उसको अच्छे से जो केक का जो सॉफ्टनेस लाने के लिए, आप चाहे तो एग्स ऐड कर सकते हैं, 2 to 3 eggs। मैं 2.5 cups अब मैदा ली हूँ, आप चाहे तो आटा ले सकते हैं, इवन आटा और मैदा को मिक्स भी कर सकते हैं। मेरे घर में आटा वाला मैं ट्राई की हूँ, मुझे अच्छा लगा, बट मेरे घर में और कोई नहीं खाया, तो फाइनली मैं मैदा वाला ही आज बना रही हूँ। पहले हम लोग जैसे कि योगर्ट हो गया, ऑयल हो गया, चीनी हो गया, वैनिला एक्सट्रैक्ट हो गया, वो सब कुछ एक साथ हम लोग बनाना भी, मैं 2.5 ली हूँ, उसको भी अच्छे से स्मैश करके मिक्स कर लेंगे। और फिर हम लोग ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। मैं इसमें 2.5 cups अब मैदा ली हूँ, उसमें 1 teaspoon ऑफ बेकिंग पाउडर, 1/2 teaspoon ऑफ बेकिंग सोडा मैं ली हूँ, और इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैं पहले ही ओवन को 375 में प्री हीट कर दी हूँ, अभी इसको हम लोग 30 to 35 minutes के लिए बेक कर लेंगे। और बार बार हम लोग बीच में चेक करते रहेंगे ताकि वो अच्छे से ऊपर हार्ड ना हो जाए।
एंड ये हो गया। और काफ़ी ज़्यादा था, देवांश को कप केक खाना था, तो हम लोग उसको हल्का सा कप केक बनाएंगे। लास्ट ईयर मुझे याद है, ड्यूरिंग दिस टाइम ओनली US में कोविड का सिचुएशन टोटली अच्छा नहीं था। हम लोग घर में रहना शुरू किए थे, यही सब कुछ शुरू हुआ था, बेकिंग करना, देवांश को कैसे मैं इन्वॉल्व करूँ, कैसे मैं एंटरटेन करूँ उसको, क्योंकि हमेशा आप लोग बच्चे के साथ खेल नहीं सकते, समहाउ यू नीड टू एंगेज देम इन हाउस होल्ड वर्क। तो देवांश तब से ही सीख गया है और उसको अच्छा लगता है, जो कि मुझे भी अच्छा लगता है उसको देखने से कि उसका किचन में कुकिंग में इंटरेस्ट आता रहता है। तो समहाउ आप लोग को कुछ ना कुछ करके बच्चों को एंटरटेन करना ज़रूरी हो गया है अभी, जिसकी बाहर नहीं निकलते इतना। इवनिंग का स्नैक्स का टाइम हो रहा था, तो मैं हाफ बनाना मैं ली हूँ, इसको हम लोग ग्राइंड कर लेंगे हल्का सा मिल्क के साथ। मैं एक ही मेजरमेंट कप ली हूँ, मैं पहले से मेरे पास था जो वाफल मिक्स, तो मैं उसको ले रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो हल्का सा मैदा और आप हल्का सा बेकिंग सोडा ऐड करके आप लोग बना सकते हैं। मैं बनाना और मिल्क को ग्राइंड करती हूँ। अभी मिक्स के साथ हम लोग ऐड करेंगे, हल्का सा शुगर ऐड करेंगे एंड फिर अच्छे से हम लोग इस मिक्स कर देंगे एंड दैट्स इट। हम लोग अभी बनाने लिए बनाना पैनकेक। जैसे कि मैं बोली, देवांश को इतना अच्छा नहीं लगता है बनाना खाने के लिए, बट आप बनाना किसी में ऐड करके दे दो तो बहुत अच्छे से खाता है। स्पेशली जो पैनकेक होता है, वो वाफल भी मैं ट्राई की हूँ, वो बहुत अच्छे से खा लेता है, उसको अच्छा लगता है इधर इन ब्रेकफास्ट और स्नैक्स। और ये देखिए, हल्का सा बटर दी हूँ और ऐसे ही मिक्स को लोग ऐड कर देंगे एंड दैट्स इट। ये हम लोग का बनाना पैनकेक रेडी है। देवांश के स्नैक्स के बाद मैं आ गई हूँ कॉफ़ी बनाने के लिए। आजकल वेदर बहुत अच्छा रह रहा है, स्पेशली इवनिंग टाइम में विंडी रहता है और ज़्यादा ना हॉट नहीं होता है बाहर, लेकिन अच्छा लगता है। और ये मेरा कॉफ़ी मैं रेडी कर दे रही हूँ। कॉफ़ी मैं क्या कर रही हूँ, पॉट्स हम लोग लेके आए थे, बट हम लोग रेगुलरली वो यूज़ नहीं करते हैं। नॉर्मल जो कॉफ़ी होता है, जितना लेना होता है 1 स्पून, उसके साथ हल्का सा शुगर मैं ऐड करती हूँ और हल्का सा वाटर देके मैं माइक्रोवेव कर लेती हूँ एंड दैट्स इट। जो मिल्क होता है फ्रोदिंग के लिए, मैं जो मशीन है वो यूज़ करती हूँ। उसी वक्त में मेरा कप केक भी हो गया है एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स मेरा केक भी रेडी हो गया। आउटडोर प्लांट्स के साथ मैं ट्राई कर रही हूँ इंडोर प्लांट्स ऐड करने के लिए। पहले से मनी प्लांट्स बहुत सारे हैं जो कि बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है एंड इस बार मैं ऐड की ये स्पाइडर प्लांट, जो कि मुझे कब से मन था एंड फाइनली मैं लेके आई हूँ एंड ये बहुत ही अच्छे से ग्रो भी कर रहा है, हो गया 1 वीक के करीब। और इसको रखने के लिए मैं ये स्टैंड लेके आई हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। जो इंडोर प्लांट्स होता है, साल भर आप लोग के साथ रहेंगे और अच्छा भी लगता है घर में थोड़ा सा ग्रीनरी के लिए। अब बहुत दिन से मन था तो मैं ट्राई कर रही हूँ। मनी प्लांट्स के लिए भी मुझे स्टैंड ऑर्डर करना है, मैं सोच रही थी क्योंकि बहुत सारे हैं तो एक साथ मैं रखूँगी एंड ये हो गया मेरा पहला इंडोर प्लांट सेटअप, जो कि मुझे अच्छा लगा। एंड जो स्नैक प्लांट है वो भी बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है, एक अच्छे से निकल रहा है, काफ़ी 1 ईयर हो गया है एंड धीरे धीरे ही हम लोग ट्राई कर रहे हैं एक एक चीज़ डेकोर करने के लिए घर में। जनरली मेरा इवनिंग का रूटीन यही रहता है और देवांश का स्नैक्स, हम लोग का कॉफ़ी, अगेन डिनर प्रिपरेशन रहेगा अभी एंड मैं ट्राई करती हूँ कि किचन क्लीनिंग मैं करते जाऊँ, ताकि एट द एंड आफ्टर डिनर मुझे मन नहीं करता है और इतना किचन में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए, तो मैं क्लीन करके देती हूँ जो होता है। एंड अभी मैं आटा गूंथ के रख दी हूँ।
अगर आप मुझे फॉलो करते हैं बहुत दिन से, आपको पता होगा मेरे घर में ना इंस्टेंट पॉट है ना एयर फ्रायर था। मुझे ये गिफ्ट मिला था हाउस वार्मिंग में एंड लास्ट 6 मंथ्स हो गया मैं ओपन नहीं की थी एंड फाइनली आई थॉट लेट्स ट्राई इट। और मुझे मन भी है कि मैं इंस्टेंट पॉट इस बार लेके आऊँ एंड मैं सोची कि चलो कुछ रेसिपी ट्राई करती हूँ एंड आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँगी। ये कल का क्लिप है जब मैं ओपन की थी, तो चलिए कुछ बनाते हैं। अच्छा सा एक गोभी था तो मन किया गोभी मंचूरियन बनाने के लिए। मैं सोची थी कि मैं चिकन का कुछ बनाऊंगी बट फिर सोची चलो भेज से ही शुरू करते हैं। तो गोभी को मैं ऐसे कट कर ली हूँ छोटे छोटे पीसेस में। अभी एक बाल में हम लोग क्या करेंगे, 2-3 स्पून्स ऑफ ऑल पर्पज़ फ्लावर लेंगे, उसमें हम लोग 2-3 स्पून्स ऑफ कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे, सॉल्ट एज पर टेस्ट ऐड करेंगे और फिर हम लोग इसमें ब्लैक पेपर, जिंजर गार्लिक पेस्ट मेरे पास नहीं था तो मैं ग्रेट की हूँ, हल्का सा मैं कलर ऐड की हूँ जो कि ऑप्शनल है, फिर हम लोग मिक्स कर देंगे। हल्का सा पानी हो गया तो मैं इसमें राइस फ्लावर 1 चम्मच ऐड की, देन हम लोग मिक्स कर लेंगे एंड अच्छे से कोट कर लेंगे। उसके साथ ही मैं रोटी बना दे रही हूँ ताकि रोटी रेडी रहे तो गोभी मंचूरियन के साथ गरम गरम खाया जाए। अभी क्या करेंगे, ऑयल मैं स्प्रे कर रही हूँ और जो गोभी हम लोग कोट करके रखे थे उसको हम लोग ऐड कर देंगे। ये काफ़ी बड़ा एक्सेल साइज का एयर फ्रायर है पर स्टिल आई थॉट कि मैं 2 बैचेस में करती हूँ एंड वहाँ से मैं लेके इधर लेके आई हूँ ताकि जो एयर सर्कुलेशन हो अच्छे से हो, क्योंकि लिखा है वह इंस्ट्रक्शन में। एंड उसके साथ ही हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्रेवी बना लेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए मैं हल्का सा ऑयल ली हूँ, उसमें चॉप्ड गार्लिक, चॉप्ड ऑनियन हम लोग ऐड करेंगे, मैं कड़ी पत्ता भी ऐड की हूँ। और ये देखिए मेरा फर्स्ट बेच और गोभी हो गया है। मेरे पास कैप्सिकम नहीं था तो मैं चिली ऐड की हूँ, उसके साथ ही ब्लैक पेपर, जो भी सॉस है जिसकी टमाटो हो गया, चिली हो गया, सोया सॉस वो ऐड कर देंगे। उसके साथ ही मैं 1 स्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर को पानी में मिक्स करके मैं ऐड की हूँ, उसको हम लोग ऐड कर देंगे। और ये देखिए गोभी भी हम लोग का रेडी हो गया, ऑलरेडी ग्रेवी जो है रेडी हो गया था तो मैं इसमें गोभी ऐड कर दी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड ऊपर से हम लोग धनिया पत्ता ऐड करेंगे एंड दैट्स इट, हम लोग का गोभी मंचूरियन रेडी हो गया है। ड्राई ही मैं रखी, आप चाहें तो हल्का सा ज़्यादा पानी देंगे तो ये आपका रोटी के साथ जैसे अच्छा लगता है वो हो जाएगा, बट हम लोग को ऐसे ड्राई ही अच्छा लगता है खाने के लिए। और पहली बार मैं ट्राई की और हम लोग को अच्छा लगा, यू नो हम लोग फ्राई नहीं किए एंड फट से भी बन गया, इट्स अ गुड वन, मुझे अच्छा लगा। आगे और भी रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी। और ये देखिए हम लोग का बनाना ब्रेड भी रेडी हो गया है एंड बहुत दिन के बाद बनाई तो मुझे भी अच्छा लग रहा था और खाने में तो अच्छा ही लगता है। अगर आप लोग ट्राई नहीं किए हैं तो ट्राई कीजिएगा। तो ये हो गया आज का मेरा इवनिंग टू नाइट डिनर का रूटीन, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छे से रहिए, बहुत ही टेक केयर कीजिए आपका खुद का और आपके घर वालों का, स्पेशली जो ओल्ड एज है, बट आजकल एज का कुछ भी नहीं है कोविड के लिए, तो ज़रूर ध्यान रखिए इम्यूनिटी सिस्टम जो है आपका, थोड़ा सा बूस्ट कीजिए अच्छा खाना खा के हेल्दी डाइट में। तो चलिए फिर से मैं मिलती हूँ और एक अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।